आज छुट्टी है सरकारों, मतलब के रोड खाली होंगे। अभी मजा आएगा ना। मैं वैसे तैयार श्यार होकर निकलने लगा हूँ ड्यूटी के लिए। सबसे पहले अबूधाबी सीफ माल आया हूँ, जहाँ कोई रश नहीं है, नहीं तो काफी ज्यादा रश होता है यहाँ पर। छुट्टी वाले दिन भी ड्यूटी करने का अपना ही मजा है, क्योंकि रोड पर ट्रैफिक तो होती कोई नहीं, टापो टाप आओ और टापो टाप जाओ। चलो जी टापो टाप पर उन्होंने मुझे भी टापो टाप ही भेज दिया। मतलब यार पहला ही ऑर्डर सादियात आईलैंड, जो कि 26 किलोमीटर बनता है यहाँ से। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। अभी अभी ड्यूटी पर आया हूँ। खैर ऑर्डर चाहे चांद का आए, लेकर तो जाना है, अपनी कंपनी के हीरो हैं हम। मैं अभी थाईलैंड आया हूँ तो बहुत ही कमाल और खूबसूरत एरिया ये। अभी तो वैसे ये मोटरसाइकिल की पार्किंग बना दी गई है, नहीं तो पहले नहीं थी। कि खुदा का नाम है, अपना जहाज यानी अपनी बाइक यहाँ पर ही लैंड करो, गाड़ियों के बीच में फंसा के पार्क करके गाड़ियों का बेड़ा गर्क कर जाते हो। ये डिलीवरी के भाई मिले हैं, जो कि कह रहे थे कि भाई आपका फैन, हर वीडियो देखता हूँ आपकी। मैं सोच रहा था मेरे तो घर वाले मेरी वीडियो नहीं देखते। वैसे यार दिन में काफी ज्यादा लोग मिलते हैं और प्यार देते हैं, सबके प्यार का बहुत ज्यादा शुक्रिया। रात को ड्यूटी से वापस आने के बाद मैं रूम वालों का प्लान बना के आज बाहर होटल से रोटी खानी है। तो हम सारे रूम वाले रात के 11 बजे खाना खाने के लिए जा रहे हैं, और मैं वैसे सो गया हुआ था, इन्होंने आके मुझे उठाया। तो बनूंगुल रेस्टोरेंट आकर हर कोई एक दूसरे की शक्लें देख रहा था कि मंगवाना क्या है। तो फाइनली ऑर्डर जो दिया था खाना आ गया। मैं तो इनका वेट कर करके सो गया था, मेरी तो भूख ही मर गई हुई है।